वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गोजी। सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं सुदीप कुमार अग्रवाल, स्ट्रक्चर डिजाइनर, और आप सभी के लिए सिविल गोजी। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में देखने वाले हैं बार बेंडिंग शीट कैसे बनाते हैं। आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो। कहीं आपको लग रहा है कि भाई आपके फ्रेंड को भी हेल्प कर सकता है, शेयर करना मत भूलना। इसी तरह के पूरे लेक्चर देखना है कि आपको पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल सीखना है, एस्टिमेशन सीखना है, वो भी पूरा सीक्वेंस में, एक ही बिल्डिंग का पूरी चीजें सीखनी है। एस्टिमेट बार बेंडिंग शेड्यूल QS, पूरा क्वांटिटी सर्वेयर बनना है, बिलिंग इंजीनियर बनना है, तो आप ये पूरा सीख सकते हैं किससे? कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में। जाइए हमारे एप्लीकेशन में या फिर वेबसाइट विजिट कीजिए www.civilguruji.com में। आपको एक और स्पेशल पार्ट भी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, जो आपको एक अलग लेवल पर पहुँचा देगा। आपके कोई भी इंजीनियर जिनको आप जानते होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग नहीं जानते होंगे। कहीं आपको लग रहा है कि वो भी आपको जानना है, तो आप गुरुजी का खजाने में एनरोल हो। उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी जो किसी भी इंजीनियर को नहीं आती हो। ये कोर्सेज लॉकडाउन के कारण हमें समझ में आ रहा है कि अभी मनी थोड़ा सा कम है, तो उसके कारण आप लोग को ये डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है। डिस्काउंट कितना? वो भी 75% डिस्काउंट, मतलब 36,000 का कोर्स है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ 9,000 में। आपको यूज करना है कूपन कोड गुरुजी। वैसे ही गुरुजी का खजाना है 52,000 का, आपको मिलेगा सिर्फ 13,000 में। आपको फिर से कूपन कोड यूज करना है गुरुजी। अब हम क्लास में आ गए हैं, देखते हैं कि BBS कैसे सॉल्व हो सकता है। एक डेमो, एक छोटा सा घर लिए हैं, सिंपल एक कमरे का, जिससे पता चल सके कि सॉल्व करने का तरीका क्या है। एक्सेल बनाना अपने लास्ट के वीडियोस में सीख चुका है, नहीं ध्यान है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप फिर से चेक कीजिए। एक्सेल बनाना मैंने सिखा दिया है। अब देखते हैं उसका यूजेस, देखते हैं कि कैसे उसी एक्सेल से ये पूरे चारों बीम को, मतलब एक छोटा सा कमरा, घर बोल सकता हूँ, उसको सॉल्व कर रहे हैं। डमी घर है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है? एक frame 2 दिया हुआ है, एक frame 1 दिया हुआ है, उसके डिटेल दिया गया है। अब इस डिटेल को पहले पढ़ लेते हैं। अब जैसे ये frame 1 है, frame 1 की आपको लेंथ क्या दी है? 3800, मतलब ये सेंटर टू सेंटर है। साथ ही साथ टॉप एक्स्ट्रा की लेंथ दी है 1265 mm। अब इसमें टॉप मेन बार कितनी दी गई है? 2x12 mm की। और टॉप एक्स्ट्रा कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 5x12 mm की है, तो 2 बार आपकी क्या हो गई? मेन बार। तो कितनी बची? 3 आपकी टॉप एक्स्ट्रा बार हो जाएगी। वैसे आप देखते हैं लेफ्ट साइड में, एक हुआ आपका सपोर्ट 1, दूसरा हुआ सपोर्ट 2। सपोर्ट 2 में कितना दिया गया? सपोर्ट 2 में भी दिया गया है 5x12 mm की, 2 बार आपकी मेन हो गई। टॉप एक्स्ट्रा कितना हो गया सपोर्ट 2 में? 3 बार। अब यही चीज बॉटम केस में देखें तो बॉटम मेन बार कितनी दी गई है? 3x12 mm की। इसी तरह से ये आपने frame 1 को पढ़ा, वैसे आप frame 2 को पढ़ेंगे। आपको ये ड्राइंग चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं एक्सेल में, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने ये एक्सेल बनाना देख लिया था, अब इस एक्सेल को यूज करना देखते हैं। सबसे पहले बीम आईडी या फिर नेम, क्या है बीम आईडी या नेम? यहाँ पर frame 1 है, वही चीज आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आपका सपोर्ट 1 क्या है? कॉलम है, ठीक है। उसकी विड्थ कितनी है? कॉलम की विड्थ आपकी बीम के विड्थ जितनी है, ड्राइंग से दिख रहा है मुझे, तो वो कितना हो जाएगा? 200 mm, तो 200 mm लिख देंगे। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है? बीम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। बीम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? ड्राइंग में देखे, बीम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 3800, तो आप वही चीज मेंशन कर देंगे। अब उसके बाद सपोर्ट 2 कॉलम है, और कॉलम की विड्थ कितनी है? 200 mm, तो वही चीज आप मेंशन कर देंगे 200 mm। अब उसके बाद क्लियर कवर और बीम क्या है? 25, ये तो हमें जनरली पता है, परंतु ध्यान देंगे हर दम ड्राइंग में मेंशन रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्राइंग में मेंशन है, फ्लोर हो, रूफ हो, या कोई सी भी बीम हो, दिया है आपको क्लियर कवर 25 mm लिखना है, वही चीज आप मेंशन कर देंगे 25 mm। उसके बाद दिया है नंबर ऑफ आइटम्स, तो आप अपनी ड्राइंग्स में देखेंगे कि वो आइटम, जैसे अभी क्या बात हो रही है, frame 1 की बात हो रही है, तो frame 1 कितनी बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं frame 1 दो बार रिपीट हुआ है, एक बार ये, एक बार ये, तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो जाएंगे? 2। अब उसके बाद आपको स्टिरअप डिटेल्स बताना है, आपके बीम में कैसे स्टिरअप्स लग रहे हैं, कितने कितने दूरी पे लग रहे हैं, और कौन से डायमीटर के लिए। फिर से ड्राइंग में चलते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टिरअप कौन से यूज हो रहे हैं, 8 mm के विद 130 की स्पेसिंग, वही चीज आप यहाँ मेंशन कर देंगे 8 mm 130 की स्पेसिंग। उसके बाद बीम का सेक्शन क्या है? बीम का सेक्शन आपको कहाँ मिलेगा? आप ही की ड्राइंग में दिख रहा है 200 mm की विड्थ है और 300 mm की डेप्थ है, वही चीज आप यहाँ मेंशन कर देंगे 200, बाजू में 300। ये हो गए बीम के डायमेंशन बता दिए। अब इसके बाद आते हैं बीम के रेनफोर्समेंट के बारे में। सबसे पहला टॉप मेन बार कितनी दी गई है? टॉप मेन बार दी गई है 2x12 mm की, यहाँ पर दिख रहा है 2x12 mm की, वही चीज़ आप मेंशन कर देंगे 12 mm की 2 बार। अब इसकी लेंथ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्यों?
ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा गया है, तो वो खुद से कैलकुलेट कर लेगा। अपन लोग ने देखा कि एक्सेल में फॉर्मूला कैसे लगाना है, वो चीज अपने लग लें लास्ट वीडियो में देख चुका। उसके बाद दिया है टॉप एक्स्ट्रा एट सपोर्ट वन। टॉप एक्स्ट्रा सपोर्ट वन में कितना है, यहां पर देखेंगे दिख रहा है 5 बार 12 mm की, परंतु उसमें से 2 आपकी मेन बार हो गई, तो कितनी बची, 3 बार। तो आप लिख देंगे 12 mm की कितनी बार, 3 बार। वैसे आप सपोर्ट 2 देखेंगे, सपोर्ट 2 में कितने हैं, सपोर्ट 2 में भी मेंशन है कितने, 5 बार 12 mm के, आपके 2 बार मेन बार हो गई, तो कितने बचे, 3। वही चीज आप फिर से मेंशन कर दीजिए। अब लेंथ भी मेंशन करना पड़ेगा, लेंथ कितना दिया गया है, 1265, वो मेंशन कर देंगे। दोनों का लेंथ सेम है, सपोर्ट 1 के तरफ भी और सपोर्ट 2 के तरफ भी, दोनों मेंशन कर देंगे। अब बॉटम मेन बार की बारी, बॉटम मेन बार कितना दिया गया है, बॉटम मेन बार दिया गया आपको 3 बार 12 mm की, तो आप वही चीज मेंशन कर देते हैं, 12 mm की 3 बार। अब इसके बाद आता है बॉटम एक्स्ट्रा, परंतु हमारे केस में देखते हैं बॉटम एक्स्ट्रा दिया है कि नहीं, यहां पर कोई भी बॉटम एक्स्ट्रा नहीं दिया है, तो आपको कुछ वैल्यू डालने की जरूरत है नहीं, वहां पर उसको वैसे ही छोड़ सकते हैं। अब इतना आपको डाले, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, वो पूरा रिजल्ट अपने आप ही बनाएगा, सिर्फ आपको डाटा डालना है, एक बार एक्सेल पूरी बनाना है। अब देखते हैं इसके रिजल्ट को, ये अब आपका रिजल्ट आ गया। अब ये रिजल्ट को फाइनल शीट में ले जाने के लिए इसको कॉपी करते हैं, आपका जो चालू हुआ है वहां से लेके पूरा यहां तक देखेंगे आप कि आपको कुछ मेंशन नहीं करना पड़ रहा कि वो 8 mm की है, 10 mm की है, 12 mm की, एक्सेल खुद से वो कैलकुलेट भी कर लिया है। अब मैं इसको कॉपी किया हूं। अब चलते हैं बीम के फाइनल शीट में, बीम का फाइनल शीट कैसे बनाते हैं, मतलब पूरे BBS का फाइनल शीट की बात हो रही है यहां पर, BBS की फाइनल शीट में चलते हैं। कॉपी करने के बाद दूसरी शीट में लेके गया हूं। सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है कि नेम ऑफ प्रोजेक्ट, आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा उसका नाम देंगे। उसके बाद क्या काम कर रहे हैं, BBS की डिटेल शीट बना रहे हैं। उसके बाद अब मेंशन होता है कि फुटिंग बना रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, बीम बना रहे हैं। जैसे आप फुटिंग बनाएंगे तो सबसे पहले फुटिंग लिखेंगे, फिर उसके बाद कॉलम, उसके बाद आपकी आती है ग्राउंड बीम। अभी हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड बीम बना रहे हैं, तो वहां पर डिटेल में लिख देंगे ग्राउंड बीम। इसके पहले आपको फुटिंग और कॉलम का भी बनाना पड़ता है, अभी हम चलते हैं बीम से, ग्राउंड बीम लिख देंगे। तो ये आपका मेन हेडिंग हो गया ग्राउंड बीम। अब आपने जो वापस सॉल्व किया था उसको यहां पेश कर देंगे, वहां पर कॉपी करके रखें, यहां सीरियल नंबर पे क्लिक किया क्योंकि वहां से सीरियल नंबर से था, बस यहां पेश कर देंगे कंट्रोल वी। अब पेश कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कुछ रेफरेंस आ रहे हैं, कुछ कुछ एरर आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है, वहाँ पर वो फॉर्मूले से रिलेट थे, ऊपर के डिटेल्स यहाँ पर नहीं है, तो इसके कारण ये एरर दिखाता है। इसको तरीका क्या होता है, जो पेश का आइकन आता है वहाँ पर क्लिक करेंगे और एज वैल्यू, पेश एज वैल्यू मतलब वहाँ की जो वैल्यू थी सिर्फ उसको यहाँ लेके आना है, तो पेश एज वैल्यू में क्लिक कर देंगे। हो सकता है जो ये पेश एज वैल्यू का है वो ऑप्शन थोड़ा सा अलग दिखे, वो एक्सेल के अलग अलग वर्जन में अलग अलग रहता है। अब चलते हैं बीम के फ्रेम 2 में, आप क्या बना रहे हैं, बीम का फ्रेम 2, तो नाम चेंज हो जाएगा आपका, फ्रेम 2 डल जाएगा। कॉलम वही है, सपोर्ट एक तरफ कॉलम है, दूसरी तरफ भी कॉलम है, और उनकी विड्थ भी वही है, आपको ड्राइंग से समझ में आ रहा है, 200 बाय 200 के ही कॉलम यूज किए थे, तो वो चेंज नहीं होगा। बीम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, बीम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3030, आप वो चीज मेंशन कर देंगे वहां पर, 3030 हो जाएगा। क्लियर कवर पूरे ग्राउंड बीम, पूरे एक स्ट्रक्चर का एक ही रखते हैं हम, जितने भी बीम्स हैं वो जनरली एक ही रहता है, तो जैसे 25 लिया गया। नंबर ऑफ आइटम्स इसमें भी वही है, नंबर ऑफ आइटम्स 2 है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब स्ट्रिप डिटेल्स देखते हैं कितनी दी गई है, स्ट्रिप डिटेल्स भी वही दी गई है, 8 mm की, 130 की स्पेसिंग, तो वो भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, और बीम सेक्शन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं रेनफोर्समेंट में, देखते हैं कि इसमें रेनफोर्समेंट कितना दिया गया है। रेनफोर्समेंट टॉप मेन बार कितना दिया हुआ है, 2 बार 12 mm की, वही चीज लिखा हुआ है, नहीं लिखा होता तो चेंज कर देते। अब टॉप एक्स्ट्रा में क्या दिया गया है, 5 बार 12 mm की, जिसमें से 2 मेन बार हो गई, 3 आपकी टॉप एक्स्ट्रा, वही चीज मेंशन है। अब लेंथ चेंज हो गई इसकी, लेंथ कितनी है, 1010, तो वो चीज मेंशन कर देंगे। सेम यही चीज सपोर्ट 2 में भी हो रहा है, तो वो सपोर्ट 2 में भी चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं बॉटम मेन बार में, बॉटम मेन बार कितनी दी गई है वो देखते हैं। बॉटम मेन बार दी गई है 2 बार 12 mm की, तो वो मेंशन कर देंगे, 2 बार 12 mm की। कोई बॉटम एक्स्ट्रा नहीं दी गई है, तो बॉटम एक्स्ट्रा में लास्ट टाइम जैसे लिखे थे 0 0, या फिर कुछ नहीं लिखे वो ऑटोमेटिक 0 ले लेगा। अब ये हम फिर से देखते हैं रिजल्ट, हमें कुछ निकालना नहीं पड़ा, कैलकुलेशन हमें नहीं करना पड़ेगा, फिर से मैं मेंशन कर रहा हूँ, एक बार की मेहनत है, हर बार उसका प्रॉफिट मिलेगा हमें। अब क्या करना रहेगा, मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा, यहाँ से अपन फिर से कॉपी करेंगे पूरा,
कंट्रोल सी करेंगे, प्रेस करेंगे, अपने शीट में चलेंगे बीबीएस की जो मेन शीट बना रहे, और थोड़ा सा नीचे आएंगे और फिर कंट्रोल वी कर देंगे। कंट्रोल वी कर दिए, उसके बाद फिर सेम पेज का ऑप्शन और एज वैल्यू में क्लिक कर देंगे। अब देखिए आपको कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ रहा, पूरा आपने ग्राउंड बीम सॉल्व कर लिया इतनी जल्दी, एक स्ट्रक्चर का ग्राउंड बीम निकाल दिया। इसी तरह से आपको कॉलम का निकालना है, बीम का निकालना है, फुटिंग का निकालना है और पूरे स्ट्रक्चर का सॉल्व करना है। साथ ही साथ आपको एस्टिमेशन सीखना है, क्वांटिटी सर्वे सीखना है, या फिर रेट एनालिसिस, या फिर पूरा एक बिलिंग इंजीनियर बनना है। साथ ही साथ कोई भी सॉफ्टवेयर के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। सिविल इंजीनियर की बेसिक नीड होती है ऑटोकैड। रिविट से आप किसी भी क्लाइंट को अच्छा 3D एलिवेशन दिखा सकते हैं। ईटेप के हेल्प से आप स्ट्रक्चर डिजाइन एनालिसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है प्रोजेक्ट मैनेजर। साथ ही साथ रिज्यूमे, कहीं हमने पूरी चीज सीख ली, पूरी चीजें हमें, पूरा स्किल का नॉलेज है हमें, और हमने कंपनी को वो चीज दिखाया ही नहीं, अपने रिज्यूमे में वो बताया ही नहीं उतने अच्छे तरीके से, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये पूरा आप चीज सीख सकते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में। और जो कुछ खास करना चाहते हैं उनके लिए और एक स्पेशल चीज, गुरुजी का खजाना। गुरुजी के खजाने में क्या सीख सकते हैं आप, कॉन्टैक्ट एंड टेंडरिंग, साथ ही साथ पोर्टफोलियो बनाना भी। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको लगा कि आपने कुछ नया सीखा तो लाइक करना, आपको लग रहा है कि आपके एक कोई फ्रेंड की हेल्प हो सकता है तो उसको शेयर करना, और हमारे चैनल में इसी तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, तो बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।